वेलकम एवरीवन, एपिसोड 6 हीरोगैज़म आ चुका है और इस एपिसोड को हम इस एक लाइन में समराइज कर सकते हैं कि इसमें हीरोगैज़म कम और हीरोपंती ज़्यादा देखने को मिली है हमें। मतलब इसका क्लाइमैक्स सारा मज़ा देता है जो कि इसके प्लॉट का कंक्लूजन भी है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक पूरा एपिसोड हीरोगैज़म पर ही बेस्ड होने वाला है, पर ये नहीं हुआ। चलो बढ़िया ही है। और बाय द वे, ये अच्छी बात है कि इस सीज़न का हमें एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। वेल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस एपिसोड के बारे में जो आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड के बेसिकली दो ही मेन हाइलाइट्स हैं। एक तो इसका क्लाइमैक्स, ऊपर से इसका हीरोगैज़म जिसमें बहुत कुछ काटा गया है। अब ऑब्वियस है कि बहुत कुछ नहीं दिखा सकते हैं इसमें, मतलब सब कुछ, पर तुम्हारा शो है भी तो मैच्योर ऑडियंस के लिए। हैवीली आर रेटेड शो को मैच्योर ऑडियंस के बीच में तुम कहीं पर भी रोकोगे तो देखो मज़ा नहीं आएगा। पर चलो कोई बात नहीं, ये अलग चीज़ है। और ये नहीं भी होती ना, मतलब ये हीरोगैज़म नहीं भी होता ना, तो भी काम चल जाता, स्टोरी पर कोई खास असर नहीं पड़ता इस पर। हीरोगैज़म के नाम से इसको इतना प्रमोट किया गया ना कि लोग इसको देख के फोकट में ही पागल हो रहे थे कि हीरोगैज़म आ रहा है यार द बॉयज़ का। जिन लोगों ने इसकी कॉमिक्स पढ़ी है वो ये जानते हैं कि उसमें हीरोगैज़म किस लेवल का है। पर चलो, मैं मानता हूँ कि इनकी लाइव एक्शन में कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ये लोग एग्जैक्टली उस चीज़ को मिमिक नहीं कर पाए हैं, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। ज़्यादा लाइव एक्शन में दिखाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो लोगों की पता नहीं कैसी कैसी फैंटेसीज जाग जाएं। वैसे इसको साइड हटाएं तो असली माल तो हमें क्लाइमैक्स में देखने को मिला है। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि इस सीज़न के स्टार्ट में ही हमें आगे चल के इसमें बुचर, होमलैंडर और सोल्जर बॉय के बीच में क्लैश देखने को मिल सकता है आगे चल के, और देखो वही हुआ। मतलब ये तीनों एक दूसरे से नहीं लड़े, बट स्टिल होमलैंडर वर्सेज विलियम बुचर एंड सोल्जर बॉय तो हमें देखने को मिल ही गया। और वैसे भी देखो, ये तो कभी ना कभी होना ही था क्योंकि स्टोरी की डिमांड भी वैसी थी, प्लॉट ही वैसा चल रहा है, और ऑडियंस को नो डाउट मज़ा आया होगा। मुझे तो आया मज़ा। आपको कैसा लगा इस एपिसोड का क्लाइमैक्स, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस एपिसोड के बाद से अब अपनी गैंग द बॉयज़ की तीन पार्ट्स में है। फ्रेंची और किमी को अलग, उधर ह्यूई, सोल्जर बॉय और जो कंट्री का खंबा भर के आया था बुचर, और तीसरी साइड एमएम और एनी, जो कि अब धीरे धीरे सबके डार्क सीक्रेट्स बाहर ला रहे हैं। और मुझे अब लगता है कि उसकी भी जान अब खतरे में है, स्टारलाइट की मतलब एनी की जान अब खतरे में है, क्योंकि अब वो बॉट को छोड़ चुकी है, विक्टोरिया से भी लड़ चुकी है और इंस्टा पे लाइव आके सबको होमलैंडर और सोल्जर बॉय की सच्चाई बता रही है। अब देखते हैं कि एनी के साथ क्या होता है। मे बी वो अब कहीं पर चुपचाप जाके बैठ जाएगी छुपके, प्लस एमएम के साथ कुछ तो प्लान करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी होमलैंडर को मारने के लिए सोल्जर बॉय की हेल्प ले सकती है। देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये भी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। अब यहाँ पर आती है तीसरी साइड की बात, जो की है फ्रेंची और किमिको की। यहाँ पर अब इन दोनों को एक साइड चुननी होगी, या तो वो डर के भाग जाए नीना से, या फिर उससे बदला लें, उसे खत्म कर दें। और अब जितना हो चुका है ना, मुझे लगता है कि ये लोग बुचर के साथ जाएंगे, क्योंकि इन्हें खतरा है नीना से, इसलिए इन्हें एक साइड तो चुननी पड़ेगी। एक साइड बिल्कुल ही शांत और सत्य की, वहीं दूसरी साइड जैसे को तैसे, मतलब बुचर वाली। वैसे भी अब ह्यूई और एनी का ऑफिशियली ब्रेकअप तो हो ही चुका है, तो अब देखते हैं कि आगे चल के प्लॉट कहां जाता है। वैसे अगर कंपेयर करें तो ये वाला एपिसोड बाकी सभी एपिसोड्स के मुकाबले बेस्ट था। इसमें सब था, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, फाइट, ब्रुटैलिटी, और तुम जो सोच रहे हो वो भी। अब इधर होमलैंडर सदमे में है क्योंकि ब्लैक नोर भाग गया है, उसने अपनी ट्रैकिंग चिप भी निकाल दी है, तो इसका मतलब ये है कि वो बागी हो गया है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। प्लस मुझे ये भी लगता है कि वो मेव से मिलने गया है, क्योंकि उसने मेव को ऐसी जगह छुपाया है जहां पर होमलैंडर ना पहुंच सके, और इसलिए उसने वो चिप निकाली। प्लस इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मेव अभी जिंदा है, होमलैंडर ने उसे मरवाया नहीं है। वैसे भी मेव का होमलैंडर के डाउनफॉल में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसके दुश्मनों को फ्यूल करती रही है, जैसे कि बुचर। प्लस अब होमलैंडर डरा हुआ है और शॉक में है कि आगे क्या होगा, और मैं भी नर्वस हूँ कि कहीं वो आगे चल के मास जेनोसाइड ना मचा दे, जैसे कि उसने स्टारलाइट से कहा था कि तुम अगर मेरा वीडियो लीक करोगी, मेरी सच्चाई सबको बताओगी, तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। हालांकि इस चीज़ के चांसेस अब काफ़ी कम है, क्योंकि होमलैंडर को रोकने वाले अब बहुत लोग आ चुके हैं, और वो ही उसे ओवर पावर भी कर सकते हैं। प्लस अब तो लोग भी वॉट के अगेंस्ट है, मतलब जनरल पब्लिक और उसके हीरोज़ के भी, जैसे कि होमलैंडर के भी, इसलिए अब इनका एम्पायर बहुत जल्दी गिरने वाला है, और लोग एनी के साथ है। ये हम इस लाइव स्ट्रीम में देखने को मिला है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग लिख रहे हैं #WhatLightPeopleDied, मतलब वॉट का अब भयंकर तरीके से बॉयकॉट होने वाला है, खासतौर से सोशल मीडिया पे, और सैन एडगर दूर से बैठ के लड्डू खाएगा और इनकी तबाही देखेगा। ए ट्रेन भी हमें यहाँ पर दिखा, जो कि प्रोबेबली जिंदा हो सकता है, मरा नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यार ये हर बार बच जाता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में। जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है ना, एक्साइटमेंट इस बात को लेकर बढ़ रही है कि हमें फिर से होमलैंडर के साथ द बॉयज़ का एक शोडाउन देखने को मिलेगा, मतलब होमलैंडर वर्सेस बुचर वर्सेस सोल्जर बॉय वापस से देखने को मिलेगा। लास्ट के दो एपिसोड्स बचे हैं इस सीजन के, देखते हैं क्या होता है।
वेल तो ये था वीडियो द बॉयज के सीजन 3 के एपिसोड 6 के ऊपर हीरोगैज़म के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।